लेखक रामवीर सिंह सांगवान आज आपको पंजाब पुलिस रूल यानी पीपीआर 1934 के अध्याय 23 के बारे में बताऊंगा। अध्याय 23 में अपराधों की रोकथाम से यानी प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के बारे में बताया गया है। इसके 23(1) से 23(44) तक भाग हैं। टोटल इन 44 यानी कि 44 भागों में ये बात बताई गई हैं। सबसे पहले 23.1 के अंदर ग्रामीण थानों पर गश्त के बारे में बताया गया है। उसके बाद यानी कि ग्रामीण थानों पर गश्त कैसे कैसे लगाई जाएगी। उसके बाद 23.2 में थानों में रेलवे पुलिस के साथ सहयोग के बारे में बताया गया। 23.3 है उसमें ठीकरी पैरा के बारे में यानी ग्रामीणों द्वारा ठीकरी पैरा लगवाया जाएगा। उसके बाद 23.4 गश्त रजिस्टर संख्या 10 के बारे में बताया गया है। 23.4 में रखी जाएगी। 23.5 में है निगरानी रजिस्टर में इंदिराज तथा निरस्तीकरण है। 23.6 प्रधान व्यक्तियों को नोटिस है। 23.7 निगरानी का तरीका है। 23.8 हिस्ट्री शीट को तैयार इतिवृत्त को कैसे तैयार करेंगे। 23.9 हिस्ट्री शीट जब खोला जाए तो क्या ध्यान रखेंगे। 23.10 हिस्ट्री शीट को रखने का तरीका यानी कि ए बंडल में एक्टिव, बी बंडल में शांत और सी में जो जेल में चले गए। 23.11 में हिस्ट्री शीट की जांच और 23.12 हिस्ट्री शीट और पर्सनल फाइल का रख रखाव यानी कि एक्टिव को आप पर्सनल फाइल में ले जा सकते हैं और उसको शांत में भी ले जा सकते हैं लेकिन जेल वाले को पर्सनल फाइल या शांत में नहीं ला सकते। उसके बाद 23.13 पर्सनल फाइल का रख रखाव और निपटारा। 23.14 हिस्ट्री शीट तथा व्यक्तिगत फाइल की सूची। उसके बाद 15 भाग 4 ग्राम अपराध रजिस्टर नंबर 9 यानी कि आपराधिक पुस्तिका ग्राम अपराध रजिस्टर नंबर 9 के बारे में बताया गया है 23.15 में। 23.16 है वो बीसी रोल जारी किया जाता है और 23.17 बीसी रोल प्राप्ति किया जाता है। असामाजिक यानी तत्वों का जारी है 23.16 और प्राप्ति है 17। 23.18 है इश्तिहार शोरागुल यानी बीटी कटते हैं वाते हैं अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है या कोई गुमशुदा उनके नोटिस कटवाए जाते हैं, पोस्टर छपवाए जाते हैं। 23.19 है हीनियस क्राइम यानी गंभीर अपराधों से संबंधित अपराधों की आसूचना यानी कि उसकी सूचना कैसे फैलाएंगे। 23.20 है भगोड़ा फरार व्यक्तियों का जिला रजिस्टर। 23.21 फरार और घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई। 23.22 घोषित अपराधियों पीओ का रजिस्टर की 23.22 है घोषित अपराधियों का रजिस्टर पीओ का। 23.23 है घोषित अपराधियों की सूची। 23.24 है व्यक्ति के अपराधी घोषित किए जाने पर प्रक्रिया यानी कि पीओ घोषित करने पर क्या प्रक्रिया होगी। 23.25 है थाने पर पीओ की सूची। 23.26 है प्रपोजल रिगार्डिंग क्रिमिनल ट्राइब्स और क्लासेज यानी कि आपराधिक जाति और श्रेणियां। 23.27 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 6 ऑफ 1924। 23.28 डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल ट्राइब्स रजिस्टर। 23.29 क्रिमिनल ट्राइब्स सुपरविजन बाय गजटेड ऑफिसर। उसके बाद 23.30 सीआरपीसी की धारा 110 के तहत कार्रवाई। 23.31 गोपनीय रिकॉर्ड। 23.32 सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत कार्रवाई। 23.33 है जेल एक्ट और अक्षमा नियम के अंतर्गत सजा समाप्ति से पहले ही रिहा किए गए अभियुक्त। 23.34 सीआरपीसी की धारा 401 के अधीन रिहा किए गए अभियुक्त। 23.35 सदव्यवहार कैदी प्रिविक्षा रिहाई अधिनियम के अधीन सशर्त रिहाई। 23.36 कैदियों का रिहाई नोटिस। 23.37 रिहाई नोटिस प्राप्त होने के बाद प्रक्रिया। 23.38 रिहा कैदियों पर निगरानी। 23.39 वे रिहा किए गए अभियुक्त जिसके संबंध में सीआरपीसी के अधीन आदेश दिए गए हों। 23.40 पेशेवर अपराधियों पर कंट्रोल नियंत्रण यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर उन पर कंट्रोल कैसे किया जाए। 23.41 पेशेवर अपराधियों का विभाजन बंटवारा। 23.42 हटा दिया गया। 23.43 पुलिस स्टेशन के एक क्षेत्राधिकारी में परिवहन यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल कैसे किया जाए। 23.44 कॉलोनी यानी कि टेनेंट और ओनर यानी कि मकान मालक के दायेदारों के समझौते। इसी प्रकार से अपराधों की रोकथाम में अध्याय 23 के ये 44 भाग हैं। इसमें ठीकरी पैरा 23.3 के तहत है और हिस्ट्री शीट का रख रखा हुआ है बंडल ए बी सी यानी एक्टिव शांत और जेल में जो है वो है 23.10 में। 23.12 के अनुसार हिस्ट्री शीट और पर्सनल फाइल का रख रखा हुआ है। 23.16 के अनुसार बी सी रोल जारी किया जाता है। 17 के अनुसार बी सी रोल प्राप्त किया जाता है। 23.18 के अनुसार इश्तिहार शोरागुल होता है यानी गुहार नोटिस। और इसके बाद 23.30 के अनुसार 110 की सीआरपीसी की कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी। 23.32 के अनुसार 751 की कार्रवाई कैसे की जाएगी। 23.43 के अनुसार परिवहन कंट्रोल है और 23.44 के अनुसार में किराएदार और मकान मालिक के समझौते हैं। तो ये चैप्टर
23 इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अपराधों की रोकथाम, मैं लेखक रामवीर सिंह सांगवान कानून प्रशिक्षक दिल्ली पुलिस गांव पिलाना जिला रोहतक हरियाणा 9968 4997 माय यूट्यूब चैनल रामवीर सांगवान दिल्ली पुलिस, फेसबुक पेज है पीटीसी दिल्ली पुलिस रामवीर सांगवान लॉ इंस्ट्रक्टर और फेसबुक है रामवीर सांगवान वर्क। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।